आरा नगर निगम की मेयर इंदु देवी ने अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। आज आरा शहर के दो वार्डों में निगम के द्वारा निर्माण कराए गए पुरुष और महिलाओं के लिए बनाए गए यूरिनल का उद्घाटन आरा नगर निगम की महापौर इंदु देवी व उपमहापौर पूनम देवी तथा नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत ने किया। आरा शहर के वार्ड नंबर 19 रेड क्रॉस के सामने व वार्ड 40 में पूर्वी ओवरब्रिज के नीचे यूरिनल का निर्माण कराया गया है। इस मौके पर वार्ड पार्षद गुड्डू पासवान के साथ नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत भी मौजूद रहे। मेयर इंदु देवी ने कहा कि शौचालय निर्माण होने से कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के साथ साथ गांव से आने वाली महिलाओं के लिए और बाजार आए लोगों को लाभ मिलेगा। शहर में प्रतिदिन हजारों लोग बाजार करने आते हैं, लेकिन शौचालय नहीं रहने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खासकर महिलाओं के लिए काफी परेशानी होती थी। शौचालय का निर्माण होने से बाहर से बाजार करने आने वाले लोगों के अलावा स्थानीय दुकानदारों को भी इसका लाभ मिलेगा। मेयर इंदु देवी ने कहा कि बाकी अधूरे रह गए आरा शहर के कई शौचालय व यूरिनल का उद्घाटन दुर्गा पूजा के पहले कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए निगम प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। आरा शहर के सभी वार्डों में नवनिर्मित सार्वजनिक यूरिनल पूरी तरह से हाईटेक है। सेंसर बेस्ड यूरिनल सिस्टम लगाए गए हैं 24 घंटे जो सातों दिन खुले रहेंगे। निगम द्वारा 45 हाईटेक यूरिनल प्रस्तावित हैं, जिनमें से दो बन चुके हैं, तीन निर्माणाधीन हैं। वहीं डिप्टी मेयर पूनम देवी ने बताया कि जमीन की उपलब्धता ना होने की वजह से जहां हाईटेक शौचालय निगम नहीं बनवा पा रहा है, वहां सेमी डिलक्स शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने निगम की स्वच्छता की मुहिम भी शहरवासियों से सहयोग करने की अपील भी की। नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत ने बताया कि आरा शहर में हर वार्ड में यूरिनल की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें एक यूरिनल की लागत करीब 4 से 5 लाख रुपए बनाई गई है। इस मौके पर उप नगर आयुक्त उपेंद्र कुमार सिन्हा, सिटी मैनेजर ओम प्रकाश, दीपक कुमार के साथ सुमित कुमार, आदि सिंह, आलोक अंजन, आनंद प्रेमी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज आरा नगर वासियों के लिए जो फ्री यूरिनल की सुविधा है उसको चालू कर दिया गया, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं आरा की सारी जनता को प्रणाम करती हूँ, और मैंने चुनाव से पहले जो संकल्प लिया था कि मैं अगर मेयर बनती हूँ तो आरा शहर को मैं फ्री यूरिनल दूंगी, और वो आधा मैंने पूरा किया। खासकर हम देखते थे महिलाओं को जो दिक्कतें सहने पड़ती थी, अब वो दिक्कतें महिलाओं को नहीं होगी और वो आकर यहाँ पर आराम से शौच कर सकती है। महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग बनाया? जी हाँ, महिला देखरेख के लिए क्या कुछ होगा निगम की तरफ से? हाँ, निगम की तरफ से जिस वार्ड में ये बना हुआ है उस वार्ड का जमींदार लोग इसकी सर सफाई की व्यवस्था रखेंगे। वो सुबह और शाम दो टाइम इसकी सफाई होगी और उन्हीं लोग के देखरेख में ये रहेगा। आज पहले तो मैं आरा की जनता को सभी को प्रणाम करती हूँ, और ये जो बना है शौचालय महिला और पुरुष के लिए, जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प को हम लोग आस्ते आस्ते पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे, और इनसे जनता के लिए सुविधा के लिए ये सुविधा उनके लिए है और उनको हम लोग पूरा करेंगे। उन लोग के उंगले के लिए भी होगा। आज जो फ्री यूरिनल है उसका उद्घाटन किया गया है, आप यहाँ पर मौजूद है, इसका फायदा होगा सर इस तरीके से यूरिनल चालू हो जाना सर साफ सफाई को लेकर? देखिए, ये आरा नगर निगम में इसकी काफ़ी समय से चल रही थी, कहीं भी यूरिनल नहीं थे, जिससे कि ज़्यादातर महिलाओं को तो काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो बोर्ड में निर्णय लिया गया था कि हम लोग 24 से यूरिनल पूरे शहर में हम देंगे, जहाँ जहाँ भी हमको जगह ये हुआ। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हम लोगों का, आप देख सकते हैं जो बनावट हुई है इसमें कोई ठेकेदारी जैसा आपको लगेगा नहीं, इसमें बहुत अच्छे टाइल्स का या यूरिनल का या वेस्टिन का उपयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। आज दो रहे हैं, लेकिन लगभग हमारे पास अभी 8 से 10 बन के रेडी हैं जो कि चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। दो हाँ, त्यौहार दशहरा के पहले हमारा लक्ष्य है कि सभी यूरिनल को हम चालू करके जनता को समर्पित कर दें, ताकि जो त्यौहार आने वाला है अभी हम लोगों का दशहरा या दीपावली, रख रखाव की, क्योंकि इससे पहले चलन शौचालय आया था वो फेल कर गया था, तो वो ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा? नहीं नहीं, इसके लिए हम लोग डेडिकेटेड एक स्वास्थ्य स्वच्छता कर्मी है उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, उन्हीं का दायित्व तो होगा कि वो आके ताला खोलें इसका, और सुबह और शाम
दोनों टाइम की सफाई करें, इसके लिए बजाबते हम लोग का जो फेनाइल या एसिड वगैरह की जरूरत होगी वो हम सब निगम से पूर्ति करेंगे और मेरा पूरा प्रयास होगा कि इसको स्वच्छ रखें। और जनता से भी आग्रह करेंगे कि वो लोग भी अब आएँ तो कम से कम इसको स्वच्छ रूप में उपयोग करें और इसका दुरुपयोग नहीं करें कोई। आज यूरिनल के यहाँ उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे इस यूरिनल के बारे में? आर नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर नगर उद्घाटन किया शहर में 24 यूरिनल का नींव रखा गया है, लेकिन ये पहला यूरिनल है जो आरा शहर के वासियों को सौगात मिला है। और इससे जो आम जन है जाते हैं आते हैं बाथरूम, या लेडीज हो या जेंट्स हो जो भी हो, तो वो लोग कहीं भी रोड के किनारे बैठ जाते हैं और हमारी मेयर साहिबा के विकास के कार्यों को देखते हुए यूरिनल का ये उद्घाटन किया गया। इसलिए कि अब जितना भी जो लोग जो वासी है या इधर उधर लोग जाते हैं, चाहे माताएं हो बहनों हो, अब यूरिनल का इस्तेमाल होगा। ये एक अच्छा पहल है, काफी ये तो समय बहुत, अभी बगल में छठ पूजा भी होती है उसमें ये बहुत कारगर रहेगा। और हमारे जो लोग जाते हैं पैदल आते हैं, यही आम रास्ता है, 24 घंटा ये चलता है, तो हमको लग रहा है कि ये काफी सुविधा होगी उन लोगों के लिए। ठीक, नाम बता दीजिए अपना। राजीव कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 40, सशक्त स्थायी कमिटी सदस्य।